नमस्कार। और अभी अपने साथ में श्रीमान मयंक दीप जी हैं। इन्होंने बोला है कि इनको एंजाइटी जैसी फीलिंग्स आती है और एंजाइटी ही है। आप समझिए एंजाइटी क्या होती है। मात्र भी हमारे भाई साहब 35 इयर्स के हैं और आप देख रहे होंगे कि इनकी सुंदरता में किसी भी चीज की कमी नहीं है, शरीर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बिजनेस में किसी चीज की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, फैमिली में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन यह बीमारी एंजाइटी स्वतः ही आ जाती है इंसान को। एंजाइटी के क्या लक्षण होते हैं और आती क्यों है आप समझिए। अब ये क्या फील करते हैं हम आपको लाइव दिखाएंगे और इनको मात्र 2 से 3 दिन में ठीक कर देंगे। क्या है जी अभी आपको बताइए। तेज बोलिएगा या कहिए तेज बोलिएगा, अपने व्यू बताइएगा। मेरे को मतलब हर चीज से सोच में नेगेटिव थॉट्स, सोच में नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स आते ही कुछ नहीं कर सकता। मतलब जहाँ हूँ वहीं स्टिल हो जाता हूँ। चक्कर बिजनेस चक्कर आते हैं, बिजनेस रहती है और शरीर में कंपन रहता होगा और कुछ भी सुनना तो लगता है कि जैसे अपने साथ ही गलत, कुछ भी नेगेटिव तो अपने साथ ही लगता है कि वो होने वाला है, चाहे फैमिली को लेकर। आप अभी देखिए एंजाइटी का मतलब होता है, सबसे बड़ा एंजाइटी का सिम्टम्स होता है बिना किसी चीज को लेकर उससे डर के अपने भविष्य को अंधकार में जाना कि मेरे साथ ये घटना घटित हो ना जाए या ऐसी घटना घटित होने वाली है। और डर ये एंजाइटी का प्रमुख कारण है। एंजाइटी वाला व्यक्ति अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेगा, दुर्बल महसूस करेगा, अपने परिवार के बारे में ऐसा लगेगा कहीं मेरे परिवार मुझे ना छोड़ दे या मैं अपने परिवार को ना छोड़ दूं। और सबसे बड़ी बात कि उसके शरीर में कंपन होगा, नेगेटिव थॉट सोचेगा और कभी भी उग्र हो जाएगा, उसको तनाव रहेगा मन में और उसको ऐसा लगेगा कि मेरे चारों तरफ अंधकार है, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी और हर तरह से वो अपने को ऐसा समझेगा कि मैं निहायत ही सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति हूँ। उसी को हम एंजाइटी कहते हैं। आप समझिए एंजाइटी वाले व्यक्ति की काउंसलिंग 2 दिन में होकर और वो 100% ठीक हो जाता है। ऐसा हम मानते हैं कि एंजाइटी एक बीमारी नहीं है, एंजाइटी एक सिम्टम्स है। तो कुछ सिम्टम्स उसके अंदर आ जाते हैं और वो एंजाइटी में तब्दील हो जाते हैं। भारत में ऐसा देखा गया है कि एंजाइटी आने के सबसे प्रमुख कारणों में से 2 कारण सबसे बड़े होते हैं, एक होता है डर और दूसरा होता है स्ट्रेस। आप डर और स्ट्रेस दो को अगर आप अपने अंदर से निकाल देंगे तो आपका डिप्रेशन और आपकी एंजाइटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी और आप एकदम सुरक्षित, स्वस्थ, व्यस्त और मस्त व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। आप अपनी श्रेणी को उच्च श्रेणी में ले जाएंगे और आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। एंजाइटी वाले व्यक्ति को सबसे पहले कि उनकी चीजों को बदलवाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। अब हमने भाई साहब को बोला, इनकी शादी हो रखी है, मैंने बोला मैंने भाई साहब आपकी हमें शादी करानी है अभी, तो आपका क्या जवाब था? हुई हुई है। हमने बोला आपकी शादी किससे हुई है, तो आपने क्या बोला? लड़की से हुई है। मतलब ये फिट है, इनको प्रॉब्लम नहीं है। हमने बोला सामने वाला व्यक्ति ऐसा है, उन्होंने कहा नहीं ऐसा है नहीं। इसका मतलब इनको तकलीफ नहीं है, लेकिन सिम्टम्स कभी भी आ जाते हैं एंजाइटी के और वह एंजाइटी की श्रेणी में आ जाता है। एंजाइटी को खत्म करने के लिए व्यक्ति को मेडिटेशन करनी है, योग करना है, पॉजिटिव थॉट्स उसके अंदर आना बहुत जरूरी है और किसी भी अल्टरनेटिव थेरेपी वाले के पास में जाकर उससे काउंसलिंग कराना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात कि वो व्यक्ति अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपनी बिजनेस के बारे में, तीनों के बारे में ऐसे नेगेटिव विचार बिल्कुल उसको बंद कर देने चाहिए, उसके आने ही नहीं चाहिए। एंजाइटी के शिकार भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं और यह बिना किसी वजह से आने वाला रोग है, क्योंकि यह स्वतः ही उत्पन्न होता है और स्वतः ही खत्म होता है। इसमें 100% आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छी है। अभी आप देखेंगे 3 दिन बाद इनको कि ये 100% ठीक है। वैसे तो आज ही हमने इनकी काउंसलिंग करके और अभी ही ठीक हो चुके हैं, अभी ही ये 100% ठीक हो चुके हैं, 101%। लेकिन फिर भी अभी आप देखेंगे तो ये बहुत ही मुस्कुराएंगे और हंसेंगे और अभी यहाँ से बेहतरीन बनकर जाएंगे।
आइए।